न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे चर्चित या ये कहें कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर। जी हां, बात है देश की, क्योंकि बात है वन नेशन वन इलेक्शन की, एक देश एक चुनाव की। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि जहाँ गठबंधन ये कह रहा है कि पूरी तरह से गलत है, जानबूझकर बीजेपी ऐसा करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी INDIA गठबंधन से डर गई है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी क्या वाकई गठबंधन से डर गई है या फिर ये लाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे गिनाए गए हैं लेकिन बहुत सारे तर्क भी हैं। आज मेरे साथ मौजूद है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के CMD हरीश असवाल जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। सबसे पहले हरीश जी, अपनी प्रतिक्रिया बताइए वन नेशन वन इलेक्शन पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक को उठाने के लिए, और ये टॉपिक वाकई में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था 1951, 52, 61, 67 की व्यवस्था है जो पहले से थी। अब इस व्यवस्था के ऊपर एक ना एक दिन तो बात होनी थी, जब बीजेपी सरकार इसमें आई थी उन्होंने ये बात पहले भी उठाई थी, और शायद एक मोदी जी का एक भाषण आपने सुना होगा या एक इंटरव्यू में था, शायद भाषण में नहीं, हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले प्रिपरेशन करते हैं, उस प्रिपरेशन में उन्होंने क्लियर करा था कि भैया हम कोई अचानक से किसी से डर के हम ये मुद्दा नहीं लाए हैं, इसके ऊपर हमने बाकायदा रिसर्च की और इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत कैसे है, अब पार्टियों को रखते हैं एक किनारे, ये ज़रूरत हमारी है, हमारा पैसा है, ये हमारे हिंदुस्तान के हर टैक्स पेयर का पैसा है जिससे ये इलेक्शन लड़ा जाता है। अब ये सोचिए कि जो इलेक्शन लड़ते हैं 3 दिन 4 दिन जो व्यवस्था चलती है उसमें कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, करोड़ों रुपए जो है कि जो व्यवस्था जो पैसा लगना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, वो लग रहा है इलेक्शन पे, और 365 दिन इलेक्शन चल रहे होते हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में कभी कोई इलेक्शन चल रहा है, कभी जिला पंचायत चल रहा है, कभी नगर पंचायत चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो उन सब में व्यवस्थाओं में पैसा लगता है। तो आज के यूथ को क्या चाहिए, पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा, और शायद यूथ की तरफ से अगर वोटिंग हो और इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी कि सबको चाहिए कि भैया एक बारी में इलेक्ट करो, सेलेक्ट करो एंड अपना काम करो, ठीक है। अब इलेक्शन सिलेक्शन जब होता है तो उसमें क्या है कि हम ये भूल जाते हैं, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लोकसभा के चुनाव में अभी क्या हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि देश की बात हो रही है, कोई INDIA की बात कर रहा है, कोई उसको इंडिया पढ़ रहा है, कोई उसे भारतवर्ष पढ़ रहा है, ठीक है, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा आज जनता का होना चाहिए था, तुमने क्या काम करा, क्या तुमने काम नहीं करा, अपोजिशन का क्या रोल था, उस रोल के ऊपर बात होनी चाहिए थी। पर लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान, इंडिया, भारतवर्ष, क्या इन सबसे रोजगार चलने वाला है, महिलाओं को, अगर महिलाओं को एकत्रित करने की बात हुई इस बीच में, सिलेंडर 200 रुपये कम कर दिया गया, ठीक है, प्राइस कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, उसका एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीका होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्यों बढ़े क्यों घटाए इसका एक बैठक भी होनी चाहिए, और बाकायदा जनता को समझाना भी चाहिए, पर वो नहीं, अपोजिशन सीधा बोलता है तुमने बढ़ाए थे तो तुमने घटा दिए। तो इसी तरह से पैसे की बर्बादी जो है आए दिन हो रही है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं तो बोलता हूँ ये अभी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक ना एक बारी तो पैसा खर्च होना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं। इसमें दिक्कत क्या होने वाली है, दिक्कत इसमें उन लोगों को है जहाँ पर सरकारें दूसरी गवर्नमेंट की हैं, कांग्रेस की है या किसी की, जिनकी अभी कर्नाटका में जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट वो भंग हो जाएगी, आपके हिमाचल में भंग हो जाएगी, तो कांग्रेस के पास बचा कुछ नहीं, 50% से ऊपर इसमें चाहिए कि भाई राज्यों से 50% ज़्यादा वोटिंग आनी चाहिए, कि हर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो 50% या 60% से ऊपर बीजेपी को गवर्नमेंट है, तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम है लेकिन नहीं। लेकिन सवाल ये है कि 15 राज्यों से यहाँ पर करना होगा कि 15 राज्य इसके लिए एग्री हो जाए, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो इसके लिए राजी हो जाए, तो क्या इतना आसान है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लें तो महाराष्ट्र में होता है कि विधायिका भंग हो जाती है, कई बार उठापटक चलती रहती है, तो वहाँ के इतना आसान होगा। आप कह रहे हैं कि हाँ पैसों की बचत होगी, ठीक है पैसों की बचत होगी, लेकिन एक दिन अगर चुनाव होता है, 2 EVM मशीन रख दी जाएगी, एक जगह आप सांसद को चुन रहे हैं, दूसरी तरफ आप विधायक को चुन रहे हैं, क्या इतने VVPAT और EVM मशीन की तैयारी है सरकार की? बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल क्यों नहीं तैयारी है, मशीन है ना, वो इंसान थोड़ी है जिसको आपको पढ़ाना है समझाना है,
पढ़ाना समझाना तो आपको लोगों को है कि किस तरह से वोट देना है, वही एनर्जी तब भी लगने वाली है, वही एनर्जी अब भी लगने वाली है, एनर्जी सेम रहने वाली, मशीन का काम मशीन का है। पैसों का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं कि पैसों की बचत होने वाली है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो इसका मतलब अगर आप एक साथ चुनाव कराते हैं तो कुछ करोड़ ही कहा था, मैंने कुछ करोड़ ही कहा था, आपने 60,000 करोड़ बताए। अब सोचिए 60,000 करोड़ में क्या क्या हो सकता था। 60,000 करोड़ कई बार किसी राज्य का बजट भी नहीं होता है। आप उत्तराखंड की बात करें, इतनी आपदा आती है वहाँ पर, कितना बजट वहाँ पर जाता है, ये शायद उनके काम आ सकता था। कई जगह हैं ऐसी, महिलाओं की सुरक्षा में काम आ सकता था, एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जा सकता था, बहुत सारे काम हो सकते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे रुक जाते हैं चुनाव। बिल्कुल हम नंबर वन की पोजिशन तभी हासिल कर पाएंगे जब हम अपने पैसे बचाएंगे। पैसे बचाएंगे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं। अब आपने जिक्र किया कि दूसरे देशों में भी, जब मैंने भी बताया कि दूसरे देशों में भी ऐसी व्यवस्था लागू है वन नेशन वन इलेक्शन की, लेकिन वो जो देश है शायद ऐसे हमारे बहुत सारे राज्य होंगे जिनकी पॉपुलेशन इतनी है जितनी पूरी कंट्री की है उनकी। बिल्कुल 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी, इतना आसान है लोगों को मनाना, लोगों को समझाना? लोगों को मनाता कौन है यहाँ पर इस देश में? कभी सुना है आपने कि लोगों को मनाया गया? यानी कि जैसे पहले सारे व्यवस्थाएं थोपी गई सिस्टम थी, सिस्टम सिस्टम बनाया जाता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करेंगे या उन पर थोपा जाएगा? नहीं, थोपा नहीं, फॉलो करेंगे उसको। अच्छी चीज को फॉलो किया जाता है, बुरी चीज को थोपा जाता है, तो उसको फॉलो करेंगे लोग। अच्छा, इसमें सोनिया गांधी कह रही है, 9 सूत्रीय मांगों का जिक्र किया उन्होंने, वो कह रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर बात बाद में करें, पहले हम बात ये कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर इस पर पहले सरकार जवाब दे, फिर विशेष सत्र में जो मुद्दे उठाने हैं सरकार उठाए। देखिए, उनका बिल्कुल ठीक कहना है कि इन पर बात होनी चाहिए, बात इसके पैरेलली वही सुरक्षा से लेकर बात हो रही है तो व्यवस्थाओं से लेकर भी बात होनी चाहिए। व्यवस्थाएँ सुधरेंगी कैसे? मेरा बार बार आप बोलोगे कि फिर पैसे पे आ गए हो, हर चीज़ पे पैसा लगता है, उन व्यवस्थाओं पे भी पैसा लगता है, उन सुरक्षाओं पे भी पैसा लगता है, इन सब पे पैसे लगते हैं। ये महिला सुरक्षा उनको वहाँ याद नहीं आती। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एज अ पत्रकार मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर उनके जहाँ उनके उनके राज्य में जहाँ उनकी सरकार है कि वे वहाँ पर भी बात होनी चाहिए, वहाँ की चुप रहती हैं। स्वीडन का जिक्र कर रही हूँ मैं, स्वीडन में होता ऐसा है कि जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पर भी वन नेशन वन इलेक्शन है, तो वहाँ पर व्यवस्था ये है कि जो वोट शेयर है, वोटिंग परसेंट, वोटिंग काउंटिंग नहीं, जो वोट शेयर उसके आधार पर एमएलए चुना जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसके ज़्यादा वोट है उसको हम विजेता घोषित कर देते हैं, तो ऐसे में क्या हम समझ पाएंगे वोट शेयर पर हम आगे काम करेंगे? देखिए, वो सिस्टम एक बार बनाना पड़ेगा, मैंने फिर पहले भी जिक्र किया, सिस्टम एक बार बनाना पड़ेगा। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, अभी हो सकता है कुछ कमियाँ रह जाएँ, टाइम है हमारे पास, ट्रायल हो सकते हैं। 2024 से पहले अब इलेक्शन तो दिसंबर 2024 में हो ही जाएंगे, दिसंबर वो तो अभी डेट नहीं आई है, अभी दिसंबर जनवरी मई तक भी जा सकते हैं। लास्ट टाइम भी मई में 2019 में 16 मई के आसपास की सरकार बनी थी, तो टाइम लगता है। ठीक है, उस पर कोई इशू नहीं है। इशू यह है कि पहले हम इस मुद्दे पर तो क्लियर करें कि क्यों ज़रूरी है। आज हमारी जनसंख्या इतनी पढ़ी लिखी हो चुकी है कि वो समझ चुकी है कि हमारे पैसे की बर्बादी हो रही है, हमें क्या चाहिए उनको पता है। अभी देश में चल क्या रहा है आप देखिएगा, लोकसभा चलने नहीं देते हैं, आप हा हुल्ला रहता है, बातें कहाँ की होनी चाहिए, हंसी मजाक में चल जाती हैं। करोड़ों रुपए हमारा लगता है उसमें, मैं तो हमारा क्या, मेरा लगता है, मैं तो बोलूँगा मेरा भी लगता है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा भी लगता है, मेरा भी पैसा, मैं अपने पैसे का हिसाब मांग रहा हूँ आज कि भैया तुमने कहाँ ये पैसा लगाया मेरा। तो ये हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपने पैसे का हिसाब मांग सकता है। अगर हम उस पैसे की बचत और उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर करें, आपको एक काजुल जी छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, एक आरडब्ल्यू बनती है ना, जब आरडब्ल्यू बनती है, जब उसका इलेक्शन होता है ना, उससे पहले वो अपनी बैलेंस शीट शो करते हैं, जैसे हमारा वित्त मंत्रालय करता है इसी तरह से, कि भाई हमने यहाँ यहाँ खर्चा किया, इन इन चीज़ों पर ज़रूरी था। छोटे से एग्जाम्पल से हम बड़ा एग्जाम्पल खड़ा करते हैं, तो व्यवस्थाएँ ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अच्छा, एक और बात, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि विधायक के मुद्दे अलग होते हैं, सांसद के मुद्दे अलग होते हैं, तो उन मुद्दों को कैसे समझेंगे लोग, कैसे समझाएंगे आप? देखिए, विधायक के मुद्दे बहुत टाइम होता है, जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके पास वो जाते हैं, घोषणा पत्र जारी करती है पार्टियाँ, अपने अपने दावे और वादे करते हैं, तब उतना समय नहीं रहेगा क्योंकि एक ही बार इलेक्शन होना है।
अगर आप चुनाव प्रचार की बात करें कि आप साल भर चुनाव प्रचार कराएंगे तो फिर तो पैसा तो लगेगा ही ना। अब मैं बोल रहा हूँ विधायक और सांसद दोनों के विचार अलग क्यों होने चाहिए, किस लिए? उसी जनता ने विधायक भी चुना है, उसने सांसद भी चुना है, एक ही मोटिव के साथ आने चाहिए ना दोनों, एक ही प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए, ज्वाइंटली उन दोनों को काम करना चाहिए। उन दोनों का कैसे समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं एक ही जगह से? एक सांसद के पास पांच, मैं मान सकता हूँ कि पांच विधानसभाएं हैं, तो पांच लोगों को नहीं बैठा सकता हूँ। सांसद बैठा सकता है कि भैया हमारे ये मुद्दे हैं, इन पे हमें काम करना है। विचारधारा अलग अलग हो सकती है पार्टियों की, जब एक पार्टी का विचारधारा है, एक इलेक्शन हो रहा है, तो फिर जीत तो जनता की होनी चाहिए ना इसमें, क्योंकि जनता की बात है, बात तो जनता की है। सवाल वही है अरिजी कि कैसे मनाएंगे सरकार? असल में क्या है प्रॉब्लम, ये नहीं है प्रॉब्लम, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम ठेकेदार चुन रहे हैं या हम विधायक चुन रहे हैं या एमपी चुन रहे हैं। बेसिकली इसके पीछे सब लोगों की दुकानदारी है, सब लोग कुर्सी, किंग की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। आप देखिएगा कि इलेक्शन टाइम पे सब हाथ जोड़ के घूमते हैं, आप हमारे साथ कैमरे के सामने आप देखिएगा हम किस तरह से क्वेश्चन करते हैं उन लोगों को, और उसके बाद वो लोग कैसे हाथ जोड़ के जवाब देते हैं। आपने भी देखा, आपने, मैंने, आपने दोनों ने इंटरव्यू किए, आधा आधा एक घंटे जब हम किसी विधायक को या सांसद को जब हम इंटरव्यू करते हैं तो सीधे बच्चे की तरह वो हमारे सामने बैठा हुआ मिलता है, अरे हाँ जी करता है। कैमरा ऑफ होते ही उसका असली रूप हमारे सामने आता है, जहाँ वो दिखाई देता है कि उसके तो मन में ही कुछ और है। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बिल्कुल वहाँ पर जो मुँह से बोलता है वो होता हुआ नज़र नहीं आता हमें। तो अब जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल सही मुद्दा है, वन इलेक्शन होना चाहिए और इस पर ही काम होना चाहिए, ताकि इसमें कोई कमी रह जाए तो नेक्स्ट पाँच साल में देखेंगे, पर हर पाँच साल में 500 बार नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो फिर उसके बाद अगर किसी भी राज्य में कुछ ऐसा होता है कि सरकार गिर रही होती है तो फिर अब कैसे गिरेगी सरकार? बैकअप कहाँ है इसका, बैकअप कहाँ है? तो ये भी तो लोग सवाल कर रहे हैं ना कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो राजनीति में कुछ भी हो जाए, मैं समझ में आया कि राजनीति में तो उसका उसका कुछ ना कोई बैकअप प्लान तो ये देंगे कि हम लोगों ने, जब सवाल होंगे तो जवाब भी मिलेंगे। अभी सवाल तो आने दो, बस हमें इंतजार करना, अभी है पांच दिन का सत्र है, उसमें सब क्लियर होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पे अब जैसा कि आपने सुना मेरे सीएमडी को, उनकी तरफ से तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सारे तर्क भी हैं जो विपक्ष दे रहा है, जिसके जवाब तलाशने की कोशिश यहाँ सरकार भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन को पॉजिटिव तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों की बचत है, हमारे समय की बचत है, सबसे ज़्यादा समय इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बचत है, पैसों की बचत है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ सरकार का नहीं है, पैसा आपका है, आपके ही पैसे से सत्र चलते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आगे भी अब चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।